Jio dhan dhana dhan, Jio dhan dhana dhan. Jio is the best. Aur Jio ki dhan dhana dhan offer. Dosto, aap hairan ho rahe hoge ki Astro Intelligence jaise serious Astro channel par ye Jio dhan dhana dhan ki ad kyun ki ja rahi hai. Dosto, iske piche aaj do rahasya hai. एक भी नहीं, दो रहस्य है। सबसे पहले तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 4G लाकर हमारी जो नेट कनेक्टिविटी है इतनी बढ़ा दी, जिससे हम लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी की बड़ी से बड़ी वीडियोस को भी आसानी से डाउनलोड कर सकें, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी ने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मुकेश अंबानी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और सेकंड जो कारण है इस एड को प्रमोट करने का, वो क्या है? वो कारण है आज की वीडियो का टाइटल, और वो टाइटल है राहु वीनस युति, राहु और शुक्र की युति। दोस्तों, शायद इस युति के लिए ये कैच लाइन सबसे ज्यादा उपयुक्त कैच लाइन है, सबसे बढ़िया कैच लाइन है। जियो धन धना धन धन, जियो धन से, और इतना धन पैदा करो कि धना धन हो जाए, आप भी धन से भरपूर हो जाओ और दुनिया को भी धन से भरपूर कर दो। दोस्तों, कितनी बढ़िया कैच लाइन, और कहां पर जाकर इसका अप्रोप्रिएट यूज हुआ। सो आज की ये वीडियो धन्यवाद सहित, इट इज डेडिकेटेड टू द रिलायंस कंपनी ओनर मिस्टर मुकेश अंबानी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं राहु वीनस कंजंक्शन या राहु शुक्र युति। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इसके माध्यम से धन की बात तो होगी ही होगी। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया, सबसे टॉप मोस्ट मेटीरियलिस्टिक कंजंक्शन है, पदार्थवादी युति है। इस युति के आते सबसे ज्यादा मेटीरियल चीजें, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा सामर्थ्य और सबसे ज्यादा कंफर्ट्स लिए जा सकते। पहले दोस्तों, इस युति को जानने से पहले हम इन दोनों प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस पर थोड़ा सा नजर डालें। दोस्तों, राहु की सिग्निफिकेशंस मैं ऑलमोस्ट अपनी 10 वीडियोस में आपको बता चुका हूं। सो राहु की सिग्निफिकेशंस तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस ध्यान से और डिटेल से देखनी होगी। दोस्तों, ये मैं जानबूझकर थोड़े से कट शॉर्ट्स इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वीडियोस थोड़ा छोटी बन जाती हैं, और जो पहली वीडियो जिसमें डिटेल में सब कुछ समझाया गया है उनका जो मतलब था बनाने का, वो भी सार्थक हो जाए। आज की वीडियो में दोस्तों मैं ज्यादा बात करूंगा शुक्र के बारे में। अब दोस्तों, शुक्र के बारे में आप जानते हो, शुक्र क्या है? शुक्र है प्लेयर्स, है लग्जरीज, है कंफर्ट्स, है शुक्र दोस्तों साधना भी है, शुक्र सिद्धि भी है। आज की दोस्तों ये जो वीडियो है, ये एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैं बनाने वाला हूं। मैं टेलर मेड युति की वीडियो नहीं बना रहा आज। आज मैं आपको वो चीजें समझाने वाला हूं जो आपको शायद किसी भी शास्त्र में या किसी भी किताब में डिटेल में पढ़ने को ना मिले। मेंशंस मिलेंगे आपको, मगर डिटेल में पढ़ने को ना मिले। सो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपके लिए समझने के लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ होगा। दोस्तों, ये थी टेलर मेड बात कि शुक्र कंफर्ट्स है, शुक्र प्लेयर है, शुक्र लग्जरीज है, मगर दोस्तों शुक्र साधना भी है, शुक्र सिद्धि भी है, शुक्र गुरु है, चाहे वो असुरों का गुरु है दोस्तों, मगर शुक्र गुरु है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शुक्र फीमेल है, और फीमेल तो दोस्तों फीमेल देने वाली होती है हमेशा।
फीमेल हमेशा आप देखिए मातृशक्ति मातृवर्ड जिससे जुड़ जाएगा दोस्तों शुक्र देने वाला है। अब पिछले 9 दिनों में हमने नवरात्रों में मातृ पूजन ही किया था। ये जो मातृशक्ति है मातृशक्ति को हम कहीं ना कहीं शुक्र के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। हालांकि शुक्र ने अपना पर्पस डिफरेंट कर लिया वो अलग बात है, मगर दोस्तों देखिए किसी भी इंसान में अगर कोई जीन पड़ा है कैरेक्टर पड़ा है अब उसके अच्छे सिग्निफिकेशंस हैं या बुरे सिग्निफिकेशंस हैं ये तो बाद की बात है, कैरेक्टर तो पड़ा है ना देने वाला। अब ये हमारे ऊपर है कि हम लेते क्या है। जरूरी नहीं कि हमने शुक्र से सब बुरी बातें ही लेनी है, जो शुक्र ने असुरों को दिया वो ही लेना है। दोस्तों शुक्र के पास देवताओं को देने के लिए भी बहुत कुछ है और असल में अंदर से तो शुक्र देवता ही है। अब ये देवताओं की कमजोरी रही या समझ की कमी रही या शुक्र के माध्यम से परमात्मा हमें कुछ और चीजें भी समझाना चाहता था, ये बात रही जिसके माध्यम से देवताओं ने शुक्र से सिग्निफिकेशंस कम ली और असुरों ने शुक्र से सिग्निफिकेशंस ज्यादा ले ली। अब दोस्तों यहां पर मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका शायद शास्त्रों में आपको कहीं डिटेल में या अच्छे ढंग से वर्णन भी नहीं मिलेगा। वो क्या है दोस्तों? शुक्र आपकी वो वाली मेमोरी है जो पिछले जन्मों की सुख सुविधाओं को भोगने से आपके आत्मा के सॉफ्टवेयर के साथ आपकी सोल के बैगेज में आई है। शुक्र आपकी दोस्तों संचित मेमोरी है। इसी वजह से अब आप इस चीज को देखिए, आप छोटे बच्चे का ध्यान करिए, छोटे बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, आपको तो सीखने में टाइम लगता है, उस बच्चे को सीखने में टाइम नहीं लगता। बच्चे को आप रिमोट कंट्रोल पकड़ा दो, वो आपसे पहले उस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीख जाता है। दोस्तों ये तो थी एक छोटा सा एग्जांपल। साइमल्टेनियसली आप छोटी से छोटी चीजों के बारे में देखो, बच्चे को अच्छे खाने का स्वाद जो है वो कहां से आ जाता है? दोस्तों ये चीजें कहीं ना कहीं जो सुख सुविधाएं हमने पिछले जन्म में इस्तेमाल की थी और जो हमारे मृत्यु के समय हमारे सॉफ्टवेयर में रहती हैं और वो ही अगले जन्म में एक्सप्रेशन के तौर पर बाहर आती हैं, शुक्र वो चीजें आपको देने में समर्थ है या शुक्र इन चीजों का सिग्निफिकेटर है। अब आप देखिए शुक्र गुरु भी है, शुक्र आपकी मेमोरी भी है। दोस्तों अब आप देखिए जुपिटर तो सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है, शुक्र आपकी मेमोरी भी है और शुक्र के पास ज्ञान भी है। अब एक मिस्ट्री की बात यहां पर मैं आपको इस वीडियो में और देता हूं। दोस्तों जो आप लोग एस्ट्रोलॉजी के इतने अच्छे समर्थक हैं, ज्योतिष को इतना अच्छा शास्त्र मानते हैं, ज्योतिष के माध्यम से आप कहीं कहीं मिरेकल्स भी होते देखते हैं, इस खूबसूरत शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता, सबसे ज्यादा समझने वाला इंसान कौन था? वो थे शुक्र देवता। शुक्र के पास दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की सबसे ज्यादा समझ थी। इसीलिए अगर आप शास्त्रों में पीछे जाओगे, जो पौराणिक कहानियां पीछे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि देव गुरु जुपिटर ने अपने बच्चों के लिए जो चार्ट्स का एनालाइज करवाया वो किससे करवाया? वो उन्होंने करवाया शुक्र से, शुक्राचार्य से। अब आप देखिए एस्ट्रोलॉजी की सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास है? वो है शुक्र के पास। और शुक्र दोस्तों आप जानते हैं कि शुक्र साधना भी देता है और सिद्धियां तो देता ही शुक्र है। और यहां तक क्या मृत संजीवनी विद्या अगर किसी ने लेनी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्र ही कारक है। अब आप देखिए
जहां पर इतनी अच्छी चीजें मिल सकती हैं और इतनी अबंडेंस में मिल सकती हैं। दोस्तों पैसा तो बहुत छोटी चीज है। सो कंफर्ट्स, लग्जरीज, प्लेजर्स, जो चीजें आप मन के माध्यम से आप जिनका इस्तेमाल करते हो वो शुक्र से आती है। और आप हमेशा देखिए, जो भी इंसान शुक्र के रास्ते पर चलेगा वो स्ट्रांग तो बनेगा ही। अब आप देखिए, चाहे वो आप अमेरिका की बात कर लो, चाहे पिछले टाइम में आप रावण जैसे शासकों की बात कर लो, वो सब शुक्र के बताए गए रास्ते पर चलते थे। सो दोस्तों, शुक्र जब है तो ये शुक्र के बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर्स हैं, बहुत स्ट्रांग सिग्निफिकेशंस हैं शुक्र की। और जब शुक्र के साथ दोस्तों राहु आ जाएंगे, राहु क्या है आप मेरा वर्ड हमेशा नोट करते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, बूस्टर इफेक्ट देने वाले, उन्होंने शुक्र की इन्हीं चीजों को बूस्टर इफेक्ट दे देना है, बढ़ा देना है। मगर यहां पर एक चीज आती है कि राहु दोस्तों थोड़ी सी शैतानी भी करता है, मिस्चीवियस भी है, शरारतें भी करता है। राहु आपकी विजन को ब्लाइंड कर देता है, आपको देखने नहीं देता, रियलिटी से दूर ले जाता है। सो आप देखिए कि राहु आपको मेटीरियलिस्टिक चीजों में, जब ये युति बनेगी तो आप मेटीरियलिस्टिक चीजों के स्लेव यानी के दास बन जाओगे। दोस्तों ये है इस युति का सबसे बड़ा। अब यहां पर जियो धन धन धनाधन कैसे आता है, अब आप देखिए, पहले मोबाइल नहीं थे, सबसे पहले अच्छा मोबाइल कौन लेकर आया, रिलायंस कंपनी लेकर आई। उसके बाद जितनी भी ये हम कहते हैं नेट कनेक्टिविटी से संबंधित चीजें हैं या राहु से संबंधित चीजें हैं, ये कौन लेकर आया, ये रिलायंस इंडस्ट्री लेकर आई। और उसके माध्यम से हर आदमी, आज अगर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं तो 125 करोड़ लोग नेट के गुलाम हो चुके हैं, इंटरनेट के गुलाम हो चुके हैं। मगर दोस्तों मैंने एक बात पहले कही थी, अब देखो शुक्र या राहु ये तो देते हैं, ये तो देने वाले हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे लेते क्या हैं। दोस्तों इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप देखोगे लाखों करोड़ों वीडियोस पोस्ट होती हैं, मगर उसमें कितने परसेंट हैं जो उसमें से भी एजुकेशन निकाल के ले आते हैं। हमारे जैसे लोग भी हैं जिनका चैनल प्योरली स्पिरिचुअल है, प्योरली वैदिक है और प्योरली एकेडमिक है। अब आप देखिए यहां से शिक्षा भी आ रही है, क्योंकि शुक्र गुरु है दोस्तों, शुक्र टीचिंग भी देता है, शुक्र काउंसलिंग भी करना जानता है। और जिसने शुक्र से काउंसलिंग की विद्या ले ली दोस्तों, वो तो जीवन में कभी मार खा ही नहीं सकता। मेटीरियलिस्टिक तो ये युति है ही, और मेटीरियलिस्टिक भी सबसे बेस्ट मेटीरियलिस्टिक युति है दोस्तों। अब ये आपको मोस्ट इंडल्जेंट भी बनाती है, आपको किसी चीज के बीच में सबसे ज्यादा फंसाती भी ये है। अब आप एसी के गुलाम बन गए, अब आप सुख सुविधाओं के गुलाम बन गए, अब आप मोबाइल के गुलाम बन गए, अब आप इंटरनेट के गुलाम बन गए, फेसबुक के गुलाम बन गए, यूट्यूब के गुलाम बन गए। दोस्तों ये गुलामी भी इसी युति का नतीजा है, क्योंकि एक तो वेनुशियन साइड ऑफ वीनस और दूसरी चीज राहुस बूस्टर इफेक्ट। अब आप देखिए इसकी युति क्या देती है, जब दोस्तों ये युति नेगेटिव चीजें देगी तो क्या होगा, अब मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों इसके बताने से पहले एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहता था, हालांकि थोड़ा सा हिंट मैंने पहले दे भी दिया, कि शुक्र एस्ट्रोलॉजी का कारक है। रावण के नाम से जो ज्योतिष, रावण ज्योतिष जिस जाना जाता है दोस्तों, उसको माना जाता है कि ये सबसे उच्च डिग्री का या उच्चतम कैटेगरी का ज्योतिष है। तो मगर ये ज्योतिष मिलता किस तो है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि शुक्र आपके मेमोरी है, और मेमोरी भी कैसी, जो आपके संस्कार के रूप में आपकी आत्मा के साथ आई।
जितने दोस्तों एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड संस्कार हैं वो आपको शुक्र से ही मिलने हैं। मेटीरियलिज्म तो मिलेगी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, लग्जरी भी मिलेगी आपको, प्लेजर्स भी मिलेंगे, कंफर्ट्स भी मिलेंगे। और अगर ये युति कहीं नेगेटिव हो जाए, जैसे स्पेशली टॉरस और कैप्रिकॉर्न जैसे अर्थ रिलेटेड साइंस में, तो क्या होगा? रियलिटी से इंसान दूर चला जाएगा। और रिफाइनमेंट की सेंस दोस्तों ये कम हो जाएगी। आप में इन सुख सुविधाओं की इंडल्जेंस और स्लेवरी आ जाएगी, ग्रीड आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि लोभ आपका बढ़ जाएगा, चीटिंग आप ज्यादा करने लगोगे, आप डिसीटफुल हो जाओगे, स्पेकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाओगे। और दोस्तों शुक्र का संबंध आप हमेशा जानते हैं, शुक्र का संबंध क्योंकि फीमेल है और शुक्र का संबंध हम हमेशा सेक्स के साथ लेते हैं। सो अगर ये नेगेटिव है तो सेक्सुअलिटी भी बढ़ेगी और नेगेटिव टाइप की यानी कि परवर्टेड सेक्सुअलिटी दोस्तों जो है वो आपको इस कंबिनेशन यानी कि इस कंजंक्शन के माध्यम से मिलेगी। जो लोग परवर्टेड सेक्स करते हैं आप हमेशा देखना उनके चार्ट में आपको ये चीज मिलेगी और नेगेटिव इंपैक्ट वाली मिलेगी, तब भी ये परवर्शन आएगी। मगर दोस्तों यहां पर एक चीज और है, अगर कहीं राहु डोमिनेंट हो गया इस युति में तो क्या होगा? दोस्तों राहु उस घर से उन चीजों से आपको दूर भी तो लेकर जाता है। ये दोस्तों एक आज मैं आपको नए तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज की वीडियो दोस्तों ये टेलर मेड वीडियो नहीं है। राहु आपको उस घर के या उस युति के कंजंक्शन से दूर ले जाने में भी सक्षम है। अब आप इस चीज को समझिए, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट है, राहु वायु का परिचायक है, यानी कि वायु आपको उस चीज से दूर भी ले जाएगी। और कहीं राहु पॉजिटिव होके स्ट्रांग हो गया और तो क्या होगा? ये आपको परवर्टेड सेक्सुअलिटी छोड़ो, ये आपको सेक्सुअलिटी से भी दूर ले जाएगा। दोस्तों यही मिस्ट्री है एस्ट्रोलॉजी की। जो चीज आपको एक चीज नेगेटिव होके बहुत बढ़ा देती है, उसी चीज से दूसरे एंगल से अगर आप उस चीज को समझोगे तो वो चीज आपको उसे दूर भी लेकर जाती है, क्योंकि राहु का काम है ये। अब यहां पर थोड़ी सी उस चीज को भी आप कभी मत भूलना कि राहु को अकेले समझने की गलती कभी मत करना। राहु इज ऑलवेज वन सिंगल एंटिटी विद केतु। राहु सेपरेट एंटिटी दोस्तों नहीं है, राहु और केतु एक ही एंटिटी है। और केतु आप जानते हैं केतु मिस्ट्री है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु डिसोसिएशन है। जब आप देखिए राहु का केतु इंपैक्ट बढ़ेगा तो वो आपको सेक्सुअलिटी से डिसोशिएट करेगा, और राहु का कैरेक्टर सिग्निफिकेशन फॉरेन एलिमेंट वो उससे दूर ले जाएगा। अब आप देखिए यहां पर आप ये दोनों चीजें देखोगे कि मेटीरियलिस्टिक लग्जरीज की इंडल्जेंस भी होगी और उनसे दूर जाता हुआ भी आप देख सकते हो। दोस्तों दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब आप समझिए कि अगर ये कंजंक्शन या युति पॉजिटिव होती है तो क्या होता है? वो तो दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है कि मेटीरियलिस्टिक गेन्स बढ़ जाएंगे। अब इस चीज को देखिए, राहु पॉलिटिशियन भी है, तो दोस्तों शुक्र भी कम पॉलिटिशियन नहीं है, तो पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, डिप्लोमेसी बढ़ जाएगी। बाकी चीजें अब आप देखिए, ये चीजें अगर बढ़ जाती हैं तो उसके साथ दोस्तों शुक्र फीमेल है, अगर फीमेल है तो केयर भी दोस्तों उसके साथ है, क्योंकि केयर या फीमेल विदाउट दिल के हो ही नहीं सकती, क्योंकि फीमेल्स के बारे में यह कहा जाता है कि फीमेल्स दिमाग से नहीं दिल से सोचती, दिल से काम करती हैं, और जो भी दिल से काम करेगा दोस्तों वो केयर तो करेगा, कंपैशन उसमें होगी, केयरिंग एटीट्यूड उसमें होगा, लव होगा, रोमांस होगा, और एक एक्सटेंडेड फ्रेंड साइकिल भी होगा, क्योंकि राहु इन चीजों का भी परिचायक है। केयर तो होगी ही होगी। और अगर कहीं ये युति एक्वेरियस या पाइसिस जैसे हाउसेस में आ जाए तो आप देखें मजेदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल, रोमांस, लव एंगल्स, दोनों चीजें मिलेंगी दोस्तों। मगर अब ये देखना आपको है
कि द्युति में कौन डोमिनेट कर रहा है, कि राहु डोमिनेट कर रहा है कि शुक्र डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, हाउसेज में मिलकर नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे दिया जा रहा है। और दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव आप हाउसेज से कम, नक्षत्रों से ज्यादा देखना। यह आपको मैं टिप देता हूं, समझाता हूं चीजों को, कि आप बार बार उन चीजों को याद रखो। तो ये जो चीजें थी कि कौन से नक्षत्र में पॉजिटिव इंपैक्ट राहु का है, कौन से नक्षत्र में पॉजिटिव इंपैक्ट शुक्र का है, ये चीजें आप देखना। जैसे स्वाति नक्षत्र अगर दोस्तों है किसी का, आप देखोगे मेटीरियलिज्म हाईएस्ट लेवल की, ये दोनों उसमें मैक्सिमम इंपैक्ट देने वाले हैं। स्वाति नक्षत्र इज द बेस्ट नक्षत्र फॉर दिस कॉम्बिनेशन। अब क्या होगा, अब अगर हम हाउसवाइज देखने का प्रयास करें कि ये युति या कंजंक्शन हाउसवाइज क्या कर सकती है, दोस्तों एक सीधा सा प्रिंसिपल आप नोट कर लें, इस युति के साथ मेटीरियल गेन्स तो हैं, बाकी चीजें आप बाद में आसानी से, धीरे से, शांत मन से उनको एनालाइज करते रहें। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में क्या बढ़ेगा दोस्तों, फर्स्ट हाउस है क्या, फर्स्ट हाउस में अगर हम सबसे पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र की बात करें, अश्विनी नक्षत्र क्या देता है, वो मेडिकल प्रोफेशन देता है दोस्तों। तो मेडिकल प्रोफेशन एनहांस होगा, इंक्रीज होगा, क्या चीज इंक्रीज होगी दोस्तों, अब आप देखिए वहां पर मेटीरियल एंगल यानी के मेटीरियल गेन्स ज्यादा होंगे फ्रॉम दैट मेडिकल प्रोफेशन, वो डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाने वाला होगा। मगर साथ में अश्विनी नक्षत्र है तो उसमें केयर की, हीलिंग की एक नेचुरल जो होती है पावर वो भी आपको मिलेगी। सेकंड हाउस में अब आप देखिए धन सीधा सीधा दोस्तों ये बढ़ने वाला है, क्योंकि यहां पर तो शुक्र देवता बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और ये है ही धन का घर, यहां पर तो धन धना धन होनी ही होनी है। अब तीसरे हाउस में दोस्तों यहां पर क्या है, तीसरा हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगी कि आप कम्युनिकेशन के माध्यम से ज्यादा मेटीरियल गेन्स, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकोगे। लाइकवाइज फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में क्या चीजें बढ़ सकती हैं, मून रिलेटेड चीजें, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें, घर रिलेटेड चीजें, फीमेल रिलेटेड चीजें, आप दोस्तों कोई काम कर लो, ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, वो चीजें दोस्तों धन धना धन ऑफर आपको चलेंगी, देंगी। दोस्तों जियो तो आज एक्चुअल में धन धना धन कर रहा है, हर जगह पर धन धना धन हो रही है। यही चीज फिफ्थ हाउस में देखिए आप, फिफ्थ हाउस बच्चों का है सिग्निफिकेंट, जब बच्चों की सिग्निफिकेशंस है तो क्या होगी, बच्चे ज्यादा मेटीरियल गेन देने वाले बनेंगे, बच्चे ऐसी एजुकेशन लेंगे जहां से मेटीरियल गेन्स ज्यादा आएंगे। प्लस फिफ्थ हाउस दोस्तों लव और रोमांस का घर भी है, उसका ऑपोजिट इलेवेंथ हाउस रिलेशंस का घर भी है, तो ये चीजें भी दोस्तों बढ़ने वाली हैं और यहां से मेटीरियल गेन भी साथ में होने वाला है, इस चीज को कभी मत भूलना। सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड हाउस है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी कि उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, नो, दिस इज मेटीरियली गेन, मेटीरियल गेन आपको मिलना है, आपको लग्जरीज मिलनी है, आपको प्लेजर्स मिलने हैं, आपका कंफर्ट जोन बढ़ने वाला है, वो कैसे होगा दोस्तों, वो तो पैसे से ही होना है ना। तो ये जो युति है हर हाउस में आकर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाली है। अब बात कर ले टेंथ हाउस की भी, तो टेंथ हाउस में क्या होगा दोस्तों, टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का घर, आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोफेशनल सिग्निफिकेशन है वो दोस्तों बढ़ने वाली है, आपको मेटीरियल गेन देने वाली है, आप उस प्रोफेशन से बहुत ज्यादा पैसे कमाकर आज की दुनिया के हिसाब से आप सक्सेसफुल बनने वाले हो, यानी के आप मुकेश अंबानी जैसे बनने वाले हो। दोस्तों मुकेश अंबानी तो एक ही बनेगा, तभी तो वो जियो धना धन धना धन होगी ना। हाँ आप किसी और तरीके से धन धना धन करवा लो वो एक अलग बात है। सो दोस्तों इस युति में जो एक दो खास कैरेक्टर्स हिस्ट्री में मिलते हैं,
अब हम उनकी भी बात कर लें, वो क्या है। अब आप देखिए, सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है सिगमंड फ्रायड, मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, उसने पूरे जीवन में किया क्या, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी उसने पूरी दुनिया को सिखाई, क्योंकि वो सोचता था, करता था मन के लेवल पर, मन से शुरू होता था, मन पे खत्म होता था। मगर जो उसका सबसे बड़ा टूल था साइकोलॉजी का, वो था सेक्स। और उसने सेक्स और साइकोलॉजी के माध्यम से दोस्तों नेम, फेम, स्टेटस और बहुत बड़ी एम्पायर भी खड़ी करी। दूसरा, जो एक और जो मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले बताया, अब आप देखोगे एक तरफ सिगमंड फ्रायड और दूसरी तरफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अब आप देखिए दोस्तों, जीसस क्राइस्ट में भी यही कॉम्बिनेशन है, मगर जीसस क्राइस्ट में ये कंजंक्शन, ये युति दोस्तों एट्थ हाउस में पड़ी है। एट्थ हाउस, मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों, एट्थ हाउस से कभी मत डरना। एट्थ हाउस आपकी इनहेरिटेंस है, पिछले जन्मों से आप कौन से संस्कार लेकर आए वो था। और दूसरी बात, सिद्धियां भी यहीं पड़ी हैं और साधना भी यहीं पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, जो आप मृत्यु पर विजय पाने वाला हथियार है, वो भी इसी हाउस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जीसस क्राइस्ट जैसी आत्मा भी इसी युति को लेकर पैदा हुई। हालांकि उन्होंने दोस्तों पैसा नहीं कमाया, मगर उन्होंने पैसे जैसी और बहुत सी चीजें इतनी कमा ली, शायद दुनिया में किसी और इंसान के पास उतनी दौलत ना हो, जितनी इज्जत, जितना नेम, फेम, रिस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट को दोस्तों आज तक मिला है, वो किसी और इंसान के नसीब में ही नहीं आया। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी है, दुनिया की 2/3 आबादी क्रिश्चियन है, और दुनिया की 2/3 आबादी जिसको रिस्पेक्ट देती है, जिसको वर्शिप करती है, दोस्तों वो इंसान दौलत से तो मालामाल है, मगर उसकी दौलत जरा डिफरेंट किस्म की है। सो दोस्तों, इस युति से जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये कैच लाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जियो जियो दोस्तों, लिव योर लाइफ लाइक ए किंग, जियो। मगर आपको जीना है, आपको अपनी बेस्ट सिग्निफिकेशन निकाल कर जीना है, आपको गरीबों की तरह नहीं जीना, तिल तिल कर मरते हुए नहीं जीना, आपको राजा बनकर जीना है, आपको दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव पर्सन बनकर जीना है, तभी। और वो कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों, दैट इज ओनली पॉसिबल विद धन, तभी धनाधन होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जियो धन धनाधन, और आज के बाद जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली लेना चाहते हैं, वो इस कैच लाइन को याद रखना और दिल से मुकेश अंबानी का धन्यवाद करना। दोस्तों, हालांकि मेरा शुरू से दोस्तों एक फोर्टे है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, मैं हमेशा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूं, और दोस्तों कहीं ना कहीं आज की इस मेटीरियलिस्टिक वीडियो में भी मैंने प्रयास किया कि आपको स्पिरिचुअल एंगल से मेटीरियलिज्म समझाया जाए। दोस्तों, कितना सफल हुआ ये तो आपके लाइक्स बताएंगे, ये आपके कमेंट्स बताएंगे। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको कम से कम इस युति के बारे में तो बेस्ट चीजें बताएगी, आप आगे से इस युति के बारे में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे किसी के बारे में बताने में, और ज्यादा अच्छे तरीके से आप प्रेडिक्शन करने में, चार्ट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करने में और ज्यादा सक्षम हो जाओगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबके लिए परमात्मा से धन धनाधन की कामना करता हुआ परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मेरे सब दोस्तों को और सुनने वालों को सुख समृद्धि और धन धनाधन की वर्षा करना। धन्यवाद दोस्तों।